अरनाला पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने बाइक और कार चोरी करने वाले गिरोह को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। मामला अरनाला सागरी पुलिस अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां तीन आरोपी जिनका नाम ब्रूनो मचियाडो, रुपेश डिमेलो और अमन उर्फ अरमान आरिफ शेख बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी शातिर चोर हैं, जो गाड़ियों की नकली चाबी बनाते और गाड़ी चोरी कर बेच देते थे, जिसके बाद अरनाला डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर उनके पास से 7 फोर व्हीलर और 4 बाइक जिसकी कीमत लगभग 13,70,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों पर पहले भी कई तरह के घर फोड़ी और चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों सहित गाड़ी को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है। एंटी करप्शन न्यूज के लिए विशाल गुप्ता की रिपोर्ट। गए कुछ महीनों से अरनाला पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में कार्स और बाइक चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उस हिसाब से अरनाला पुलिस स्टेशन की जो डीबी टीम है, जो पीएसआई खाड़े के अंडर काम कर रही है, उन्होंने एक आरोपी ताबे में लिया था, जिसका नाम है ब्रूनो लिप्सन मचाडो। उसके साथ और 2 आरोपी जो है वो विरार पुलिस स्टेशन से भी हिरासत में ले लिए हैं, जिनसे टोटल 7 कार चोरी और 4 बाइक चोरी ओपन हो गए हैं। उसके अलावा एक घरफोड़ी भी ओपन हो गई है। टोटल 13,70,000 का मुद्देमाल जो है हमने बरामद किया है। किस लिए मैडम ये चोरी करते थे और चोरी करने का तरीका कैसा था इनका? ये लोग जो है, ये तीनों भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ब्रूनो लिप्सन मचाडो, रुपेश डिमेलो और अमन शरीफ शेख, ये तीनों भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। पैसे के लिए डुप्लीकेट की का इस्तेमाल करके वो कार और बाइक चुराते थे। इसके पहले इन्होंने ऐसा किया, कितनी गाड़ियां चुराई है, कुछ जानकारी सामने आई है क्या? वो तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर इन पे ऑलरेडी वसई सेक्टर जो है, वसई सेक्टर के सभी पुलिस स्टेशन और थाना सिटी के पुलिस स्टेशन, उनमें बहुत सारे ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। टोटल कितनी गाड़ी है मैडम? टोटल 7 कार है और 4 बाइक्स है। और ये जो आरोपी है, लोकल है कि मुंबई के वगैरह? ये लोकल ही है। लोकल,